आज यहाँ हज़रत फातिमा उर्दू हाई स्कूल पर जो है कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ महाराष्ट्र शाखा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ली गई है और मकसद ये रहा है कि कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ जो का क़याम जो अमल में आया है उस ताल्लुक़ से मालूमात हम सहाफ़त के ज़रिए से साफ़ी हज़रात के ज़रिए से जो है अवाम तक और बिलखसूस असातिज़ा तक पहुँचाएँ। कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ ये हिंदुस्तान की पहली नेशनल लेवल की टीचर्स की संगठन है जो रजिस्टर्ड है और इसके अभी तक 9 से ज़ायद रियासतों में रियासती बॉडीज़ तश्कील पा चुकी हैं और आइंदा आने वाले दिनों में और मज़ीद 12 से 13 स्टेट्स में इसकी जो है रियासती बॉडीज़ कायम होंगी। वैसे 19 रियासतों में इसके रियासती कन्वीनर या कोऑर्डिनेटर मुतय्यन किए जा चुके हैं और नेशनल लेवल पे कई इसके नुकाते जो इंशाल्लाह महताब साहब मुख्तसरन आपके सामने रखेंगे। रही वजह तक के एज़ ए रियासती सदर महाराष्ट्र के हम जो है जिन नुकात पे काम करेंगे वो बिलखसूस सिर्फ असातिज़ा के मसाइल शामिल नहीं रहेंगे बल्कि उसमें तलबा के मसाइल को भी हम पेश करेंगे प्रशासन के सामने। वहीं जो है उर्दू की तरक्की तरवीज और उर्दू के मयार तालीम के फ़रोग के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल जो नुकात है उसके ऊपर भी हम काम करेंगे और अपने मकासद के हसूल के लिए हम अपने हमख्याल जो संगठनाएँ जैसे नेशनल उर्दू टीचर्स यूनियन के अय्यूब सर यहाँ पर मौजूद हैं, वहीं और भी जितनी भी संगठनाएँ जो कामन इशू रहेंगे जो कॉमन एजेंडे रहेंगे उसके ऊपर हम किसी भी संगठन चाहे मराठी मीडियम के रहे या उर्दू मीडियम के रहे हम उनके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। वहीं जो असातिज़ा की फिक्री और दिगर और जो उनकी सलाहियतों को फ़रोग करने की जो सरगर्मियाँ हैं वो भी हम हमारे पेश नज़र हैं और उसके लिए इंशाल्लाह हम आईटा जैसी तंजीम से भी ताउन करेंगे, उनका ताउन भी लेंगे इंशाल्लाह। इस तरह हुमा मकासिद के तहत हम इंशाल्लाह सरगर्म अमल रहेंगे और हमारे जो नुकात रहेंगे वो किसी भी तरीके से ऐसे नहीं रहेंगे कि किसी को खामोखा की जो है दिल आज़ारी हो या किसी को खामोखा की जो तकलीफ़ पहुंचाई जाए। हम सिर्फ वाजबी और हक बजानी मुद्दों के ऊपर हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे, उसको हल करने के लिए कोशिशें करते रहेंगे, जिसमें ख़ास तौर पे एक अहम मुद्दा इस वक्त ये है कि नांदेड़ में 3 हाई स्कूल हैं करखेली और हदगाँव और तामसा, यहाँ पर सिर्फ जो है एक ही टीचर है जो एज ए हाई स्कूल के टीचर है, बाकी ग्रेजुएट टीचर या प्राइमरी टीचर के ज़रिए से काम चलाया जा रहा है और ये 10 साल से चल रहा है 10 साल से। तो हम हुकूमत से फौरी मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर फौरन जो है क्या किया जाए कि इसको इस मसले को हल किया जाए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो है अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग को जो है एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें यह हाई स्कूल का मसला भी पेश नज़र है। वहीं जो है हर ज़िले में और जिन ताल्लुकों में 500 भी असातिज़ा तलबा हैं वहाँ पर हाई स्कूल को वहाँ पर जो उर्दू नाज़र तालीम ADI को जो है तयन किया जाए और वहीं जो है सिर्फ लड़कियाँ या सतह गुरबत से नीचे के लड़कों के लिए नहीं बल्कि तमाम ही लड़कों के तमाम ही मीडियम के स्टूडेंट्स को जो फ्री यूनिफॉर्म मुहैया कराया जाए। ये डिमांड आज हम जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्राम विकास मंत्रालय को हमने जो है फॉरवर्ड करना है, इंशाल्लाह आज अभी ईमेल के ज़रिए से फॉरवर्ड हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम बिरादरी से ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर अपने अपने घरों पर परचम कुशाई करें जो 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जारी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है जो कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ जिसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली से हुआ है ये पूरे हिंदुस्तान में उम्मत मुसलमान के जो तालीमी मसाइल और तालीमी कमियों को पूरा करने के लिए हम ये हक बजानी पर उठेंगे और उसी के साथ हमारे असातिज़ा की मॉरल और फिज़िकल और करेक्टर के लिए जो है हम उसकी डेवलपमेंट करेंगे। उसी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन पूरे नेशनल लेवल पर हम हमारे उम्मत मुसलमान की लाने की कोशिश करेंगे और मादरी ज़बान में बच्चों को तालीम हक जाने की हम कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ जो हमारे सोसाइटी में इस पर हमारे जो ज़रूरत के मुताबिक जो भी हमको करना पड़े जहाँ पर एजुकेशन के हाई स्कूल जूनियर कॉलेज और PG तक के जो है KG to PG इसके लिए हम जो है काम करने वाले हैं पूरे इंडिया में और उसी के साथ साथ हम तमाम लोगों को लेकर और तमाम उर्दू के उम्मत मुसलमा के मसाइल को हल करने के लिए हम कोशा रहेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।